मैं तुम्हारा साथ पूरा निभाऊंगा। और हम बच्चे उस अनुभव को महसूस करते हैं। हमारी तपस्या ये है कि बाबा का साथ हमसे छूटने ना पाए। आमतौर पर ये जो मार्ग जो बाबा हमको राह दिखाते हैं, उस राह पर विशेषता क्या है, राह की विशेषता क्या है? हमारी इस राह की विशेषता क्या है? इस राह की विशेषता है कि हमें इस राह पर अकेले चलना। हमारी ऑलराउंडर दादी जो गुलजार दादी की मदर थी, पांडव भवन में दिल्ली में रहती थी। और हमारा भाग्य कि हम तीन दादियों की पालना में थे। ऑलराउंडर दादी, दादी निर्मल शांता और गुलजार दादी। तो ऑलराउंडर दादी कहा करती थी, सद्गुरु मिलने जाइए को न लीजे साथ। सतगुरु को मिलने जाना है, कोई को भी अपने साथ नहीं लेना। अब हम तो समाज में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हम अकेले तो नहीं रहते हैं, 10 प्राणियों के साथ रहते हैं। क्या ये फॉर्मूला उस पर भी लगता है? बताइए, क्या ये फॉर्मूला अकेले चलना है गृहस्थियों पर लगता है या नहीं? लगता है। तो क्या इसका अर्थ है कि आप अपने घर गृहस्थ के धर्म को छोड़ देंगे? बाबा हमारा इतना मीठा है, इतना प्यारा है। एक तरफ हमको पढ़ाई में कहता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तुमको घर गृहस्थ में रहना है। और दूसरी ओर कहता है, अकेले रहना है, को न लीजिए साथ। ट्रस्टियों के रहना है। क्या ये दोनों बातें संभव हैं? संभव है? संभव है तब तो पढ़ रहे हैं। अगर संभव ना हो तो पढ़ेंगे थोड़ी, छोड़ देंगे।
दोनों बातें संभव है। इसका फॉर्मूला आज सवेरे की मुरली में बाबा ने बताया। बताओ, आज सवेरे की मुरली में इस सब्जेक्ट का फॉर्मूला था, वो क्या था? क्या बोलते हैं? निमित्त। और बोलो, निमित्त की बात आज थी। अच्छा, कंबाइंड स्वरूप। और बोलो, राइट, न्यारा और प्यारा। और फॉर्मूला क्या बताया? जितने न्यारे होते जाओगे उतने प्यारे बनते जाओगे। अब प्रैक्टिकल में देखें, जब भाई बहने इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमने देखा है, या तो वो बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं या बहुत प्यारे बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, न्यारा भी रहना है तो प्यारा भी रहना है। न्यारा कैसे रहना है? न्यारा कैसे रहना है? रहना घर गृहस्थ में, न्यारा कैसे रहे? अब मैं आपको छोटी सी बाबा की बात है, क्या मुझे घर में रहते हुए मैं और मेरापन, इसका आभास होता है? भाइयों में होता है मैंपन, मैं बीज रूप हूं, मैं रचयिता हूं, अथॉरिटी वाली बात। और माताओं में होती है मेरेपन की बात। अब मैं कौन हूं और मेरा कौन है? यहां बैठे हुए अभी हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उत्तर देंगे, मेरा तो शिव बाबा है। क्यों? आपके बाल बच्चे, आपके बहन भाई, आपके मात पिता, आपके साथी, क्या वो आपके नहीं है? प्रैक्टिकल में आओ, व्यवहारिकता में आओ, क्या वो आपके नहीं है? क्या आप अपने भाई बहन, बंधु बांधव, अपने पति, अपने उसको छोड़ के दूसरों के उसको जाकर के सेवा करोगे क्या? बोलो, नहीं करोगे ना? अपने को ही करोगे, उतना मेरापन तो है ना, उतना अपनापन तो है ना। ये होगा, ये हाथ मेरा है तो मेरा है, आपका हाथ थोड़ी मेरा है, हाथ मेरा है। अब आती है बात, इसमें हमको अलौकिक होना है, प्यारा होना है, न्यारा होना है। बुद्धि में हम क्या रखें जिससे हमारे अंदर न्यारेपन का संस्कार आ जाए? बुद्धि में हम रखेंगे ये सब मुझे ठाकुर मिले हैं सेवा के लिए, ठाकुर
ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, ये जो मेरे साथी हैं, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मात पिता हैं, सास ससुर हैं, ये सब मेरे ठाकुर हैं। इनकी सेवा मुझे करनी है। मैंने इनसे कुछ आश नहीं रखनी। आश रखना माना कर्मों का हिसाब किताब बनाना, समझ लेना। आश रखना माना कर्मों का हिसाब किताब बनाना, सेवा करना माना हिसाब किताब चुक तू करना। घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर कोई अच्छी तरह से नहीं बोलता है थोड़ा फील करते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीत से बोलता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं। ये हुआ हिसाब किताब का बनना। क्यों कहते हैं दुनिया में गृहस्थ एक जंजाल है? क्योंकि हमारी ये आशाएं, ईर्ष्याएं, तृष्णाएं, इन सब से मेरे कर्मों का जाल बिनता जाता है, बिनता जाता है। मुझे न्यारा बनना है, अपनी वृत्ति में आत्मिक वृत्ति को बसाना है। जब तक आत्मिक वृत्ति नहीं आएगी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी सासू, ये बसेगा, आपका हिसाब किताब बनेगा। हम लोग बच्चे थे, अभी ज्ञान समाज में देना शुरू किया गया था। मैं 1950s की बात कर रही हूँ, जब हम लोग ज्ञान में आए। उन दिनों में हम लोग बच्चे थे, मात पिता को हम लोग क्या कहते थे? पूरी भाई, निर्मला बहन, भाई साहब, बहन जी। तो ये तो समाज स्वीकार नहीं करेगा ना, बाबा मुरली में कर। लेकिन हम लोग ये करते थे, देखा उससे नुकसान होता है तो चेंज किया। बाबा ने वृत्ति में कहा है, बाबा ने ये थोड़ी कहा मुख से तुमको ऐसा बोलना है। हमारी वृत्ति में होना चाहिए। आज ये आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो भिन्न भिन्न पार्ट पर जाती है। इस जन्म में मेरे पिता हैं, पिछले जन्म में कोई और थे, अगले जन्म में यही मेरे पिता रहने वाले नहीं है। तो न्यारापन आता है, डिटैचमेंट। मेरेपन से मोह उत्पन्न होता है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूं, जितना मोह मुझे रहा होगा, मैं कभी सोचती हूं शायद किसी को भी नहीं होगा। परिवार, परिवार में प्रेम प्यार से रहते थे, बहुत प्रेम पाया, इज्जत पाई, सब कुछ किया।
पिताजी का सिर्फ फोन आता था बेंगलोर से, मैं दिल्ली में थी, ऑलराउंडर दादी कहती थी आशा तेरा फोन आया, मैं फोन बाद में हेलो करती थी, पहले रोती थी, इतना मोह था। पिताजी की हाथ की चिट्ठी, चिट्ठी आती है इनलैंड लेटर, इनलैंड लेटर में पिताजी के हाथ से एड्रेस लिखा होता था, वो बस वो एड्रेस देख करके रोना आता था। पिताजी के घर से ये चिट्ठी आई है, इतना तो कोई में भी मुंह नहीं होगा, मैं सोचती हूँ इतना मुंह था। रोना अच्छी बात है। बैंगलोर जाती थी, मुझे पता लगता था अब मेरे जाने वापस जाने के दिन आ गए हैं, चार पांच दिन पहले से रोना शुरू कर देती थी, तो माँ कहती थी मैं तेरे को नहीं भेजूंगी, तुम रोती है मैं नहीं भेजूंगी। मैं कहती थी मैंने जाना भी है फिर रोना क्यों। पिताजी यूं बैठे हैं, मुझे यूं बिठा के पूछते थे बेटा तुम कैसी हो, इतना ही उनका पूछना, मेरा झरझर रोना, तुम रोती क्यों। मैं कहा आप पूछते क्यों। लेकिन कैसे टूटा, ये टूटेगा ज्ञान से। बाबा की मुरली में आता है तुमने 84 जन्म लिए, 84 शरीर, 84 माँ बाप, एक बार नहीं अनेकों बार आता है, कई बार आता है, कोई एक बार थोड़ी आता है। बाबा जो कहता है बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करो, उसके पीछे राज, यही चीज एक दिन सुना रही थी जो टीचर है, कौन थी मुझे याद नहीं, ऐसे बैठ के मुरली सुन रहे थे, रियलाइजेशन हुआ अरे इस जन्म के मेरे माता पिता अलग हैं, पिछले जन्म में और थे, अगले जन्म में और होंगे, ये पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक हो गया, समझ आ गई, वृत्ति बदल गई। ऐसा नहीं हम प्यार नहीं, हमारा आपस में प्यार नहीं, बहुत प्यार है, अभी भी प्यार है, परंतु ज्ञान सहित प्यार है। ये जो मेरापन बाबा कहता है, ये आपका वो स्थान छोड़ने से नहीं आएगा, ज्ञान से आपको काटना है। ऐसे मैंपन है, मैं अथॉरिटी वाला है ना, आज आपको मैंपन के कारण रिगार्ड मिलता है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं, ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरा परिवार, ड्रामा ने मुझे दिया है, मैं ट्रस्टी हूं। कई बार हम लोग एक दूसरे को कहते हैं जिनके साथ स्वभाव संस्कारों के टकराव होते हैं, पता नहीं ये कहां से मेरे पल्ले पड़ गई, बोलते हैं ना भाई मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं ना पता नहीं कहां से आ गई। ये समझ लीजिए ज्ञान के आधार से, कहीं से आ नहीं गई, बहुत सोच समझ के आई है, अपना कर्जा लेने के लिए आई है,
आपको कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। हमारे पास दिल्ली में ओआरसी में है ना भाई लोग, तो एक दूसरे को तो जानते नहीं थे, तो कहते दीदी ये पता नहीं कहां से आ गया, इसको यहीं आना था, मेरे डिपार्टमेंट में आना था, मैं ये नहीं सोचो कहां से आ गया, बड़ा सोच समझ के आया आपके पास, अपना हिसाब किताब लेने आया, चुप करके दो। जब हम कर्जा चुकाते हैं तो खुशी होती है ना, खुशी होती है ना, हल्कापन आता है ना, मेरा ये हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। लेकिन होगा ये ज्ञान से, याद रखिएगा, ज्ञान से, न्यारापन। गुलजार दादी हमारे साथ रहते थे, ऑलराउंडर दादी, उनकी माँ थी, हमको इतनी भी भनक नहीं होती थी, महसूसता नहीं होती थी कि ऑलराउंडर दादी की बेटी है गुलजार दादी। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी को इतनी रिस्पेक्ट देती थी, इतनी रिस्पेक्ट देती थी, बिल्कुल महसूस नहीं होता था मेरी बेटी। हमारा हाल क्या है, चलते चलते किसी ने दो शब्द प्यार से बोले, बस उनके हो लिए। नए संबंध बना लेते हैं। ये जो बात मैं कह रही हूं, नए संबंध बना लेते हैं, ये बहुत खतरनाक है। पुराने हमने चुक तो नहीं किए, पुराने हमने चुक तो नहीं किए और नए बना लिए, वो कब चुक तो करेंगे। पहले तो अवज्ञा की, बाबा ने कहा नया कुछ बनाना नहीं है, और अवज्ञा करने के बाद मैं उस चीज को पालती हूं। मैं आपको सूक्ष्म बात बताती हूं, हम लोग दिल्ली पांडव भवन में रहते थे, हम लोग का आपस में बहनों का बहुत प्यार था, कन्याओं का बहुत प्यार था। तो मधुबन से बड़े दीदी मनमोहिनी भेजते थे, जाओ देखो पांडवन में कितना प्यार से रहते हैं। लेकिन गुलजार दादी हमारी स्ट्रिक्ट टीचर थी। कन्याओं में होता है ना, एक ही वक्त पर उतरेंगी, एक ही वक्त पर बैठेंगी, एक ही वक्त पर करेंगी, तो दादी गुलजार हमारे उसी में भोजन करते थे। हम लोग ठीक 1 बजे उतरते थे, सब सेवाएं करके, सबको पता था, सब कराई का, अच्छा तो आप लोगों का टाइम फिक्स है, और अगर हम किसी बहन की इंतजार करते थे, लौकिक में तो ऐसे ही करते हैं ना, भी चलो बैठे हैं, वो फलाना भी आ जाए तब इकट्ठे भोजन करते हैं, लौकिक में तो ये करते हैं, अलौकिक में गुलजार, अच्छा तो आपके पास इतना समय है, जो आप इंतजार में 6 बहनें 1 के कारण से बैठी। हमने तो इसको गलत समझा ही नहीं था, ये कोई गलत बात होती है, तो समझते राइट बात है, प्यार है ना हमारा आपस में, राइट बात है। गुलजार दादी तो ऐसे कहती थी आराम से, लहजे से बड़ा मीठा बोलती थी दादी, लेकिन अच्छी तरह से ज्ञान का तीर मारती थी, बोलती मीठा थी। धीरे धीरे सुधर गए हम लोग। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है,
तुम छह बहने 5 मिनट तुमने इंतजार किया, माना 30 मिनट गए। अब ये 30 मिनट किस खाते में गए? और आपको सुनाऊं सूक्ष्म बातें जो बड़ों से सीखने को मिलती हैं। सीखा देखो, हम लोग कोई सीखे सिखाए नहीं आते हैं, सब बड़ों से हम सीखते हैं, ज्ञान से सीखते हैं, बाबा की मुरली से सीखते हैं। और सुनाती हूँ, ये सब आपके काम की बातें। ऑफिस में मैं रहती थी, मेरा भाग्य था जो मुझे कन्याओं की ट्रेनिंग कराने के लिए मिलता था। कई साल उसमें कुमारियों का नेचुरल स्नेह हो जाता है, जिनकी पालना करते हैं तो उनका स्नेह भी होता है। तो मनु कन्याओं को जब हम भेजते हैं तो कन्याएं बेचारी रो रो करके जाती हैं, दूसरे स्थान पे जाती हैं। आजकल तो मेजॉरिटी वहीं की वहीं रहती हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर जाती हैं तो रो रो करके जाती हैं। तो हम उनको कहते थे, देखो रो नहीं, तुमको तकलीफ हो मेरे को फ़ोन करना। दीदी हम आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात कर सकते हो मेरे से। अब आप सुनो, उनका फोन आता था और यहाँ भाई सब बैठते थे, ब्रजमोहन भाई, फोन पे मैं उनको समझाती थी, स्नेह से समझाती थी, उनकी बात सुनती थी। भाई सब क्या बोलते थे मेरे को, आप उनकी आदत बिगाड़ रही हैं। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था, ऐसा मैंने क्या आदत बिगाड़ी? बेचारी कन्याएं हैं, दूर गई हैं, उनके दिल में ऐसे आता है और वो फोन करती हैं, मैं उनको समझा रही हूँ, मैं आदत कौन? बहन जी आपने इतना टाइम लिया, वो आपके ऊपर आधारित हो जाएगी, अपने पांव पे खड़ी नहीं रहेगी, इसलिए कहता हूँ आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं। उस समय तो सच बताऊँ मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैंने समझा सच्ची बात है। आज मैं शरीर छोड़ जाऊं, उस कन्या का क्या होगा? जिसको हम कहते हैं भाई कोई तो सहारा चाहिए, कौन सहारा चाहिए? अगर सहारा ही डूब जाए तो सहारा कौन? क्या सच में हमें इतना फेथ है, इतना निश्चय उस पर है? और आपको सुनाती हूं, लंबी कहानी है, शॉर्ट सुनाती हूं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा होता है, तो श्री कृष्ण ने वायदा दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, ठीक है ना, वायदा था ना। अब जब चीरहरण हो रहा है, कोई श्री कृष्ण उसको नहीं दिख रहा, वो हाथ में अपनी साड़ी को पकड़े हुए, इधर से देखती है छत पर श्री कृष्ण आया, उसके हाथ से साड़ियां निकल रही हैं और ऐसे चक्कर लगा रही हैं, लेकिन द्रौपदी को लपेटती नहीं है। क्यों? द्रौपदी एक हाथ से पकड़ के खड़ी है, ज्यों वो छोड़ती है साड़ी उसको लपेट लेती है। जब तक हम समझते हैं ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगा, ये मेरा साथ देगी, बाबा कहते ले लो ले लो, मैं साखी हो जाऊंगा।
हमें प्यारे भाइयों और बहनों, कई कहानियां कई केसेस सुनने के बाद ये बात मैं आप लोगों को कह रही हूं, हमें इस बात का अभ्यास करना है। अभ्यास, मैं अकेली हूं, अकेली आई हूं, अकेले जाना है, अभ्यास चाहिए। गुलजार दादी सिखाते थे, यज्ञ में रहते थे तो मानो किसी के साथ चट्टा बेटी हो गई। अब उसकी एक प्रिय सखी है, उस प्रिय अब होता है ना, आतुरवेला होती है, ये मेरे साथ ऐसा, मैं इसको बताऊं। आजकल तो फट से मोबाइल उठा के बताते हैं। अब सोचो, मैं आपको प्रैक्टिकल ले चल रही हूं उस स्थिति में। तो मान लो गुलजार दाई कहती थी उसकी जो प्रिय सखी जिससे वो बात करती है उसकी खाना बनाने की ड्यूटी है, ड्यूटी तो लगती थी ना यज्ञ में, खाना बनाने की ड्यूटी है, रोटी बनाने की ड्यूटी है, उसको 2 घंटा लगने वाला है। इसका हाल क्या होगा? 2 घंटा परेशानी होगी ना उसको, किसको याद करेगी? बाबा याद आएगा या वो आत्मा याद आएगी? कौन याद आएगा? आत्मा याद आएगी। और आत्मा ने उसको अपना चेहरा दिखा दिया तो उसको भी कौन याद आएगा? वो आत्मा याद आएगी। आत्मा सर्वशक्तिमान है या बाबा सर्वशक्तिमान है? बाबा। अब मानो कोई ऐसी, हमें प्रिपेयर करना अपने आप को। मानो मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, मैं ऐसे स्थान पर हूं जहां मोबाइल जैम्ड, मोबाइल नहीं चल सकते, अब मैं कहां से लाऊं अपनी वो प्रिय सखी जिससे बात करूं? क्या काम आएगा? मोबाइल तो आपका जैम हो गया, प्रिय सखी तो आपको मिलेगी नहीं। अब किसने आपको सहयोग देना है बोलो? अपने दिल से पूछो। कोई बात होती है उसमें मुझे पहले कौन याद आता है? मेरा बेटा। मानो मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं क्या कहती हूँ? मेरे बेटे को बता देना, फलाने को बता देना। जब डॉक्टर कहता है कुछ नहीं चलने वाला, अभी बाबा जाने, लास्ट में बाबा याद आता है। बाबा पहले क्यों नहीं याद आया? सारी उम्र पढ़ाई पढ़ी, बाबा बाबा बाबा, अंत में बाबा कहां चला गया? जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? बाबा बोलो, बाबा बोलो, बाबा बोलो। अरे लास्ट में भी मुझे याद कराया जाए, बाबा बोलो, बाबा बोलो, सारी उम्र क्या किया? क्या किया? हमें अपने आप को बहुत साधना से चलाना है। कहना बड़ा सरल है, न्यारे होना,
परंतु प्रैक्टिकल में न्यारे होना, इसमें ज्ञान की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। बुरा नहीं मानना, मैं यहां की बात नहीं करती हूं, यहां तो मुझे रिजल्ट कुछ ठीक नजर आ रही है। मंजू बहन बताएंगी, आप लोग बताओगे। ज्यादातर भारत सारा घूमते हैं, ज्यादातर भाई बहन क्या कहते हैं, बहन जी योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। आप लोगों की कंप्लेंट है? जिनकी कंप्लेंट है थोड़े हाथ तो खड़े करो। माताओं की, भाइयों की नहीं है? भाइयों का योग बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। कभी सोचा योग क्यों नहीं लगता? योग क्यों नहीं लगता? बाबा का परिचय है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्व गुणों का सागर है, मुझ आत्मा के साथ सर्व संबंध है, निश्चय पक्का है। पूछो अपने आप से, अगर निश्चय पक्का है फिर दिक्कत नहीं होगी। अगर निश्चय पक्का नहीं तो योग नहीं लगेगा। पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, पल में ये याद आएगा, संसार याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। व्यक्ति और वस्तु याद आएंगे, बाबा याद नहीं आएगा। चेक करो, बाबा कहता एक रस रहना है, एक से ही सर्व रस प्राप्त करने हैं। थोड़ा चेक करो अच्छी तरह, दिल से अंदर अपने डीप जा करके चेक करो, क्या मुझे और औरों से रस आता है? नैनों का रस है, उनके पास अकबर ने बिल्ली पाली, सॉरी अकबर ने पाली 9 बिल्लियां और उनको ट्रेन अप कर दिया कि जब मैं घंटी बजाऊं बिल्लियां आएंगी, उनके सिर के ऊपर मोमबत्ती जगती रहेगी और उस मोमबत्ती की रोशनी में अकबर भोजन करते थे, अकबर भोजन उस बत्ती की रोशनी में करते थे। ठीक है, बीरबल को पता लगा कि अकबर ऐसा तैयारी कर रहे हैं, अकबर ने बीरबल को भोजन पर आमंत्रित किया। बीरबल गए, जब गए तो अकबर ने घंटी बजाई, 9 की 9 बिल्लियाँ आईं,
मोमबत्ती जग रही है। और जगते हुए बीरबल ने क्या किया, अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाला और बिल्लियों के आगे फेंक दिया। बिल्लियों के आगे फेंका, उस 9 की 9 बिल्लियां उस पर झपट पड़ी, बत्ती बुझ गई। अकबर बोले, बीरबल ये कैसा मजाक? बीरबल बोले, जहां पना ये मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। जब तक ये 9 बिल्लियां, इनके आगे कोई आकर्षण नहीं था, तब तक तो ये बड़ी सधी हुई थी। मैंने एक चूहा ही तो डाला इनके आगे, वो भी मरा हुआ। एक चूहे के लिए तो एक ही बिल्ली काफी थी, सबको क्या हुआ? जहां पना मन को एकाग्र करना इतना सरल नहीं है। ये हम आत्माओं की कहानी है। हम वो राजा हैं, अपने स्वमान को इमर्ज करिए। हम वो राजा हैं जिसकी नजर कहीं पर भी डूब नहीं सकती। ना किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में, ना किसी स्थान पे हमारी नजर डूब नहीं सकती। ऐसे राजा हैं बेतुल वाले, ऐसे राजा हैं जो कहीं पर भी नजर ना डूबे। पहले मैं भाइयों से पूछती हूँ, ऐसे राजा हैं या नजर डूब जाती है? ये मेरी नजर रॉयल कौन हूं? जो रॉयल व्यक्ति होते हैं उनकी नजरें कहीं नहीं डूबती हैं। कितनी सुंदर चीज क्यों ना हो, रॉयल लोगों की नजर नहीं डूबती है। रॉयल सदा ऊंची निगाह रखता है। बोलो भाइयों, बेतुल वाले भाई बोलो, रॉयल कहीं पर भी नजर नहीं डूबती तो हाथ खड़े करो। अगर डूबती तो आज से नहीं डूबेगी तो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बिल्कुल मेरी नजर कहीं डूबने ना पाए। अरे क्या पाई पैसे की चीज, ये मेरे इतने बड़े व्यक्ति को अपने वश में कर ले? नहीं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं, स्वराज अधिकारी। इसमें बाबा ने कहा, कोई के प्रभाव में भी नहीं आना है। उस दिन बाबा ने कहा ना, अगर प्रभाव में भी आ जाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। पक्की बात, पक्की बात, डर तो नहीं गए मेरी क्लास से? पक्का शूरवीर महावीर कहीं नजर नहीं डूबेगी? पक्का? ताली बजाओ। कुमार बोलो, हम लोग कितने नशे से कहते हैं, हमारे आगे क्या मर्जी हो, जो मर्जी हो, हमारी नजर नहीं डूबने वाली, क्योंकि हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है, है ना? हमारी नजरों में स्वर्ग बसता है, हमारी नजरें नहीं डूब सकती हैं। विश्वामित्र जी के 12 साल तपस्या की, एक ही मेनका आई तपस्या भंग, एक ही मेनका। और अगर 100 मेनकाएं आ जाए तो क्या होगा? तो कुमार आप लोग क्या कहते हो? ये कुमार बैठे ना सारे सामने, पक्का कोई भी किसी भी प्रकार के रस के वशीभूत नहीं होना है।
अभी माता है, आप बोलो बोलो। चुप हो गई माता है। पक्का स्वराज अधिकारी है आप? माता ही नहीं, स्वराज अधिकारी हो, स्वराज अधिकारी हो। कहीं पर भी नजर नहीं डूब सकती। जो शिव शक्तियां समझती हैं, मेरी नजर कहीं नहीं डूब सकती, आज के बाद कहीं पर भी मेरी नजर नहीं डूब सकती। हाथ तो खड़े करो, आप देख लो दीदी, जिसके हाथ नीचे उनको देखना खास। ठीक है, पक्का? अभी ताली बजाओ अपने लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रॉयल हैं, स्वराज अधिकारी हैं, हमारे आगे कोई नहीं टिक सकता। ठीक है, अकेले आए हैं, 5 केले रोज खाना, सुने आपने? केले, अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना, 5 केले रोज, 5 केले खाना। हिम्मत है? 5 केले इकट्ठे खाने की हिम्मत है? है ना हिम्मत माता? है हिम्मत है? ठीक है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, प्रश्न पूछो, जो मर्जी पूछो। दीदी जी ने कहा था कि भाई बहनों से कुछ डिमांड हो, कुछ प्रश्न हो, तो बहुत सारे भाई बहनों ने हमें लिख करके दिए हैं और उनका कई प्रश्न तो लगभग एक जैसे हैं। जो विशेष सार युक्त हैं तो वो मैं दीदी जी के सामने रखती हूँ, दीदी जी उनका उत्तर देंगे। ब्राह्मण जीवन में दीदी जी कभी कभी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इसका क्या कारण है? कारण तो जिसका प्रश्न है उसके उसको पता है। कारण उस बंदे को पता है। देखो, मैं आपको एक ही बात कहूंगी, ज्ञान को यूज करो हर परिस्थिति में, ज्ञान को यूज करो। ज्ञान को यूज करना अर्थात मानव स्वभाव टकराव की परिस्थिति है तो ज्ञान को यूज करो कि हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, एक का ना मिले दूसरे से। मुझे इसको केवल टॉलरेट करना है। अच्छा, मानो कोई ऐसी परिस्थिति आई जिसमें बहुत नुकसान हो गया आपका, अब आप रोएंगे तो कुछ बनेगा तो नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ बाबा, अब आगे से ये ना हो उसके लिए हम क्या करें? हो गया, आगे से ना, सतर्क रहो। जिस कारण से नुकसान हुआ उस चीज को देखो, क्यों हुआ, अब हो गया वापस नहीं आ सकता, आगे से सतर्क रहो। तो हर बात में जब आप ज्ञान को यूज करेंगे तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी। मानो कोई ने शरीर छोड़ दिया, अब वो आत्मा वापस तो नहीं आ सकती, मैं रो धो के क्या करूंगी? एक माता थी, पति ने शरीर छोड़ा, बहुत रोती थी, रोती थी, रोती थी, रोती थी। तो जानकी दादी ने कहा, अच्छा तुम अगर उसकी बॉडी को ला करके तुमको दे दें, तुम अपने घर में रख लो, इतना रोती हो, रख लो उस बॉडी को। रियलाइजेशन हो गया, आंखें खुल गई,
तो हमें उदास नहीं होना है, ज्ञान को यूज करना है। ज्ञान यूज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दीदी जी, अतींद्रिय सुख की परिभाषा क्या है और ब्राह्मण जीवन में अतींद्रिय सुख की अनुभूति हो नहीं पा रही है, कैसे करें? अतींद्रिय सुख ब्राह्मण जीवन में ही कर सकते हैं अनुभव। आप अतींद्रिय सुख का अनुभव सत्ययुग में नहीं कर पाएंगे। अतींद्रिय सुख वह है जो आत्मा का सुख है। आप जब योग में बैठते हैं कभी कभी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है, अतींद्रिय सुख है। वह सुख जो इंद्रियों के परे का सुख है वो अतींद्रिय सुख है। यह अतींद्रिय सुख संगम पर गोप गोपियों से पूछो, सत्ययुग की चीज नहीं है। ज्ञान से अपने स्वमानों को याद करो और उस स्वमान के नशे में रहो, वो अतींद्रिय सुख है। एक प्रश्न और है दीदी जी, ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता कैसे धारण करें? संपूर्ण पवित्रता क्या है? देखिए, संपूर्ण पवित्रता है जो कोई भी आत्मा का गुण शक्ति आप पर प्रभाव न डाले, न लगाव, न प्रभाव, न दबाव। संपूर्ण पवित्रता माना बिल्कुल एक्यूरेट, समर्थ, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में कोई आत्मा का अंश मात्र भी प्रभाव न हो, वह संपूर्ण पवित्रता। एक प्रश्न है, यह कब आभास होगा कि बाबा और मुझ आत्मा का योग सही लग रहा है? मुझ आत्मा का बाबा से योग सही लग रहा है, उसकी निशानियां और रियलाइजेशन। मेरा योग बाबा से लग रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी है खुशी, अतींद्रिय सुख, नाचना और गाना, ये दिखाई देगा प्रैक्टिकल में। खुशी का पारावार नहीं, एक प्रश्न और है, लौकिक और अलौकिक परिवार की जिम्मेवारी क्या बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियां, हाँ, परिवार की जिम्मेवारी का बैलेंस रखने का क्या पुरुषार्थ? जैसे कांटा होता है ना, दो पलड़े होते हैं, कांटा होता है, ऐसे बिल्कुल साक्षी दृष्टा की स्थिति में आकर के फिर जिम्मेवारियां निभाओ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी अलौकिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए तो आपका लौकिक भी सुधर जाएगा। जितना अलौकिक आप होते जाएंगे आप दैवी होते जाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो लौकिक भी
लोक परलोक सुहेलाओ, परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ से परमार्थ नहीं। और दीदी जी एक प्रश्न आया है, वर्तमान समय के अनुसार हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मैं कहूंगी दो बातों का, एक बन जाओ बिल्कुल साक्षी, साक्षी दृष्टा होके अपने पार्ट को प्ले करो, और दूसरा बन जाओ दाता। दाता बन करके सबको दान देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। ये मत सोचो मैंने इसको इतना दिया ये मेरे को वापस आए, नहीं, मैं दाता की बच्ची हूं, मेरा काम देने का है। और साक्षी भी रहो, साक्षी और दाता। और विशेष दीदी जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अभी आप नीचे बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कैसे अभिमान को तोड़ा जाता है, आपने थोड़ी सी बात बतानी शुरू करी थी अपनी कॉलेज लाइफ की जब आप प्रोफेसर थे, और आश्रम पर आकर के आपने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया वो बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा ही सुन पाए थे। और मैं चाहूँगी दीदी जी उस चीज़ का अनुभव कि किस प्रकार से हमें अपने सूक्ष्म अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, आप हम सब के लिए वो अपने जीवन का अनुभव सामने रखेंगे। किस प्रकार अपनी विशेष, आपने कहा था ना जैसे मैं प्रोफेसर थी, आपने कहा था ना मैं प्रोफेसर थी, मेरे आगे सब झुकते थे, पर हम जब बाबा के घर में आए तो फिर किस प्रकार से कहीं ना कहीं तो हमें अभिमान को भी तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया और किस प्रकार की आपके सामने बात आई ताकि वो आपके अनुभव का लाभ हम सभी ले लें? देखिए ऐसा है, ये मेरी खुशकिस्मती है, बचपन से बहुत प्यार भी पाया, बहुत सम्मान भी पाया, स्कूल टीचर्स के द्वारा भी बहुत प्यार और सम्मान, साथियों के द्वारा भी। और जब पढ़ाते थे कॉलेज में तो भी बहुत प्यार और सम्मान पाया, कन्याएं खड़ी रहती थी गेट से, कब मैडम आएंगी और हम फूल देंगे, लाइन लगा के खड़ी रहती थी, क्योंकि बचपन से ज्ञान में चले हैं तो अपने अंदर कुछ संस्कार हमारे ऐसे रहे कि ड्यूटी बाउंड, अपनी ड्यूटी मुझे अच्छी करनी है, जो भी कार्य मुझे दिया जाए वो मैंने बेस्ट से बेस्ट करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नंबर दो पे मेरा आ जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, नंबर वन में रहना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझे कोई अभिमान था, अभिमान भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि जब मैं समर्पण होने के लिए कदम उठा रही थी तो सबने मना किया था, माता पिता ने भी मना किया था कि सेंटर पर कोई किसको कुछ भी कह देता है, कभी चरित्र पर भी कलंक लग जाता है, लेकिन अंदर में बाबा ने इस आत्मा को पकड़ करके रखा था, दादियों ने पकड़ करके रखा था। कॉलेज से जब रिजाइन किया तो मेरा कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था, नंस थी, प्रिंसिपल की आंखों में पानी था
कि तुम क्यों छोड़ रही हो हमको, हमको छोड़ के क्यों जा रही हो। मैंने उनसे कहा, मैं कहती कहीं दूसरी जगह जा रही जहाँ तुमको ज़्यादा पे मिल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी जगह पे नहीं जाऊँगी, लेकिन जैसे आपने अपना जीवन समर्पित किया है क्राइस्ट को, मैं अपना जीवन परमात्मा को समाज सेवा के लिए समर्पित करने जा रहा हूँ। अगर तुम ये करने जा रहे हो तो हम तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। अब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, मेरे को जॉब की कोई कमी नहीं थी। माया भी बहुत तेज़ होती है, माया ने भी मेरे को बड़े सबज बाग दिखाए कि कॉलेज की प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर हुई और कुछ, लेकिन अंदर में धारण कर लिया था मैंने नहीं करना तो नहीं करना है। लेकिन माया छोड़ती थोड़ी है। मैं जिस केंद्र पर गई, दादी जी ने भेजा पहले पहले, वहाँ पर मैं जो सुनती थी उससे मैं डर जाती थी। जो वातावरण में देखती थी तो मुझे डर लगता था कि आज इसको बोल रहे हैं, कल को मेरे को बोलेंगे तो मेरा हाल क्या होगा। मैं डरती थी, अंदर ही अंदर अपने साथ बात करती थी। मेरा काम झाड़ू लगाना है, कहाँ लेक्चर देने वाली, कहाँ इतना सम्मान। अब मेरे को झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धुलाई करने हैं, खाना भी बनाना है, लोगों की बातें भी सुननी है, ये सब कुछ होगा। मैं अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करती थी और दादी जी को बोल दिया था। दादी जी के साथ बहुत शर्तें रखी थी कि अगर आप मुझे इतना व्यस्त रख सकती हैं कि मेरे को 24 घंटे की बजाय महसूस होना चाहिए कि 26 घंटे होने चाहिए एक दिन में, तब मैं समर्पण करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। मैं ट्रायल पर हूं। दादी जी ने भी लक्ष्य रखा, क्योंकि मैं देखती जितना काम होता है ये तो मैं जॉब करते भी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बातों का सुनना है, कोई कुछ भी आके किसको बोल दे तो मेरे को नहीं कहते थे ना, मैं देखती थी। आज मैं नहीं हूँ, कल पुरानी होंगी तो मुझे भी बोल देंगे, तो डरती थी। मैंने निश्चय कर लिया अंदर ही अंदर ट्रायल पर हूँ, और अंदर अंदर अपने को समझाती भी थी, अगर मुझ में शादी कर लूँ और मुझे नंद ऐसी मिल जाए, मुझे दरानी ऐसी मिल जाए, सास ऐसी मिल जाए, तो लौकिक है ये। तो अलौकिक में अगर कोई कुछ बोल देगा तो मेरा हिसाब किताब चुक तो होगा, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने अपन को समझा के ज्ञान से समझा के अपने आप को खड़ा किया, ज्ञान से समझाते थे। और इसमें दादियों का बहुत सहयोग मिला। मुझे पहले कठिन लगता था लेकिन दृढ़ता भी रखी थी, एक कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटना है, दृढ़ता भी थी। तो बाबा साथी है, सहयोग देता है, पुरुषार्थ देखता है, अंदर अंदर रूह रूहान जो बाबा से करती थी वो उसको सुनती है। तो इस प्रकार से मेरे को बहुत चैलेंजेस आए। मात पिता ने मेरे 4-5 परीक्षाएं ली तब छोड़ा मेरे को, ऐसे नहीं छोड़ा। लेकिन
सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे चरित्र पर भी कलंक लग सकता है। मेरा उत्तर क्या था, मुझे तो पता नहीं। मैं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा को भी कलंकीधर कहते हैं, तो मैं उसकी बेटी, मेरे पर भी लग गया तो क्या है। पिताजी, पहले तो ऐसी बात कभी होगी नहीं। अगर ऐसे जाने अनजाने कभी किसी ने वैसे ही लगा दिया तो मैं ऐसे समझूंगी कि मैं ब्रह्मा की वो बेटी हूँ, थोड़ी थोड़े बच्चों में जो ब्रह्मा के इस टाइटल को भी लेते हैं। ऐसे अपने को समझाया, पूरा ज्ञान से समझा के अपने आप को चलाया। मेरे को कोई प्यार की इच्छा नहीं थी कि मुझे दादियों का प्यार मिले या दादियों के प्यार के वश में चली हूँ, नहीं, प्यार से नहीं, ज्ञान से। और ज्ञान से जो बच्चा चलता है वो मजबूत रहता है, ये आप समझ लें। मेरे को कहते हैं, बड़ी दादी से सवाल पूछते थे, मेरे को कहते आशा बहन, आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्पीकर, आप ये छोटे फंक्शंस में क्यों जाती हो? मेरे मन में कभी नहीं ख्याल आया था। मैंने बड़ी दादी को पूछा, मैंने कहा, दादी मेरे को ऐसे ऐसे कहते हैं तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं? दादी का उत्तर क्या था? दादी का उत्तर था, दादी नहीं जाती है क्या? दादी भी तो गांव गांव जाती है। तो नहीं आशा, ये हमारा परिवार, परिवार में कोई कहाँ है कोई कहाँ है, ये हमारा परिवार है, हमें सब जगह जाना है। मैंने कभी ना नहीं बोला। मैं आपको एक पहताज बता देती हूँ, कहीं पर भी सेवा के लिए कभी ना नहीं बोलिए। अगर मैं नहीं जा सकती हूँ तो नहीं जा सकती हूँ, बताऊंगी, जा सकती हूँ तो मैं किसी से भी बार बार मेरी वो पूछ पूछ करे नहीं, एक बार में हाँ मीन साहब। असूल है ना, आपने, आप भी तो स्वराज अधिकारी हैं, मैं भी स्वराज अधिकारी हूँ, एक राजा दूसरे राजा से कैसे बात करता है? जब आप मन में अपनी धारणाएं ऐसी बनाएंगे, एक राजा दूसरे, क्या बार बार मैं पूछवाऊँ? क्या बार बार कहूँ कि आप मेरी 10 बारी मिन्नत करो, आइए बहन जी आइए, तो मैं जाऊँ? वो जाना क्या हुआ जिसमें 10 बार मिन्नत करके बुलाया गया? वो जाना क्या हुआ? रस्सी निकल जाता है। इसलिए अपने आप को ज्ञान के पट्टे पर रखो, ये मैं आप सबको कहूँगी, ज्ञान के पट्टे पर रखिए अपने आप को। ज्ञान का पट्टा हमारा, वही हमको बचाने वाला है। हर परिस्थिति का इलाज ज्ञान है, बाबा का दिया ज्ञान, कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, बाबा का दिया ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से चलो। श्रीमत माना श्रीमत, मर्यादा माना मर्यादा, डिसिप्लिन माना डिसिप्लिन। कौन सी गलत बात है? आप जिस निमित्त अपना जीवन देते हैं, जिस निमित्त आप बाबा के बनते हैं, आपको डिसिप्लिन बताया जाता है, आपको मर्यादाएं बताई जाती हैं, आपको श्रीमत बताई जाती है, तो उसका पालन करना तो हमारा कर्म और धर्म है, तब हम पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर छेद हो तो लाभ नहीं ले सकते, छेद होगा तो बह जाएगा ना। इसलिए अपने आप को मजबूत रखना, मजबूत रखिए, ठीक है? एक आखिरी प्रश्न, किसी भाई ने यह प्रश्न भेजा है, कई बार ब्राह्मणों के अंदर सूक्ष्म अहंकार बहुत होता है
मोटे रूप से जो कहते हैं कि हमें किसी चीज़ का अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सूक्ष्म में अहंकार की जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं। तो कैसे सूक्ष्म अहंकार हम खुद पहचानें, क्योंकि अहंकार एक ऐसी बीमारी होती है जिसका स्वयं कम पता चलता है और दूसरे उसको ज़्यादा वाच कर लेता है। तो दीदी जी, अपने सूक्ष्म अहंकार के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें, आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। देखिए, अहंकार अगर है तो फीलिंग की बीमारी होगी। थोड़ा भी अहंकार है ना, थोड़ा भी अहंकार होगा ना, तो आप समझ लो फीलिंग की बीमारी होगी। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो, अंग्रेजी में कहावत है। अगर आपको फील होता है, बहन जी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ कहा, आपको फील होता है, तो वो अहम है, सूक्ष्म अहम है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। हनुमान जी अहंकारी थे या निरहंकारी? बोलो, निरहंकारी। हनुमान जी को अहंकार आया, कैसे? कहते हैं एक बार जब ये श्री राम जंगल में जा रहे थे रावण की श्रीलंका पर, तो वानर सेना थी। रोज श्री राम मीटिंग करते थे कि कोई सब कुछ ठीक ठाक है। तो उस दिन भी मीटिंग हुई। सुग्रीव बोले, भगवान सब कुछ है लेकिन कल सवेरे के लिए नाश्ता नहीं है। नाश्ता तैयार है, फलाने पहाड़ पर तैयार रखा है, सिर्फ लाने की बात है। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो अब भगवान जी को मेरी ज़रूरत पड़ी, हाँ श्री राम को मेरी ज़रूरत पड़ी। तो जैसे आंखें मटकाते थे, आंखें मटकाते हुए मैं बैठे हुए, तो सब उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। श्री राम मुस्कुराए, बोला, हनुमान हाँ मैं लेके आऊँगा। अंदर में अहम था, ये काम मैं ही कर सकता हूँ और तो कोई कर नहीं सकता, मैं ही पवन पुत्र हूँ। और जय श्री राम, उड़ गए और वहाँ जहाँ नाश्ता था उस पहाड़ पे पहुंच गए। वहां पे एक गुफा में माता, बूढ़ी माता नाश्ता बना के बैठी थी। बाहर में चट्टान से दरवाजा बंद था। बोले हनुमान जी, माता माता मुझे श्री राम ने भेजा है और नाश्ता चाहिए। माता ने कहा, दरवाज़ा खोल लो और आ जाओ, नाश्ता ले लो। तो हनुमान जी तो पत्थर था, पत्थर हिलाने लगे, वो पत्थर हिले नहीं। हनुमान जी से पत्थर हिले नहीं, पसीना पसीना हो गए। माता को बोले, माता ये तो हिलता नहीं। अरे हाथ से ऐसे करो और आ जाओ, तो फिर ट्राई करें, फिर नहीं हिला। आखिर गुस्सा आया इनको, अहंकार से गुस्सा आता है, तो गुस्सा आया, माता देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो माता उठी, दोहरी माता कुबड़ी, दोहरी और राम 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 करती आई और हाथ से उसने ऐसे किया, पत्थर खिसक गया। वो देखता रह गया हनुमान, ये क्या हुआ। अंदर गया,
नाश्ता तैयार पड़ा था। माता ये अंगूठी श्री राम ने दी है, ये रख लो। उसने माता ने कहा वो बावड़ी है, कुआं है, उसमें जाके डाला। उसने कहा माता श्री राम ने दी है। हाँ हाँ मैं कह रही हूँ ना, वहाँ जाके डालाओ। तो हनुमान जी समझ गए माता कोई जबरदस्त आत्मा है। तो उसने गए और वहाँ जाके हनुमान जी क्या देखते हैं, एक नहीं सैकड़ों अंगूठियाँ उस बावड़ी में पड़ी हैं। अभिप्राय क्या हुआ? जो बात हम सोचते हैं कि मैं ही कर सकती हूँ, वो अहम उनका तब टूटा। तब कहते हैं कभी कभी सेवाधारियों को भी अहंकार आ जाता है, ये काम तो मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, बहन जी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल मेरी ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने भाग्य को देखें, अहो भाग्य जो भगवान मेरा लेता है। आपको एक घटना सुनाती हूँ, 1950s की है। ऑलमाइटी बाबा का प्रोग्राम था, कानपुर की बात है। कानपुर में उन दिनों में बड़े अच्छे अच्छे युगल थे, 5-7 युगल थे जिनमें हमारे पेरेंट्स भी थे। तो बाबा का आना था ऑलमाइटी अथॉरिटी का, और बाबा ने ऊपर से लिस्ट भेजी थी कि ध्यान अवस्था में लिस्ट भेजी थी, कमला गुप्ता थी उनकी, कि कौन कौन बाबा की सभा में बैठेगा। तो बाबा की सभा में बैठने वाले चाहिए थे जो बिल्कुल पवित्रता की धारणा पर है। वहाँ पर एक भाई आता था जो धनवान था परंतु धारणा पर नहीं था। उसका नाम नहीं आया। तो भाई ऐसा बिगड़ा, देखता हूँ अब ये सेंटर कैसे चलता है, क्योंकि धन से सहयोग देता था उसको हम। बाबा थोड़ी उसके इस अहम से झुकेगा, बाबा को तो इंद्र सभा चाहिए। तो वो भाई चला गया। मेरे को नाम पता भी याद है उसका, बताऊंगी नहीं, चला गया। नतीजा ये हुआ, उसने तो चैलेंज कर दिया ना, देखूंगा अब ये सेंटर कैसे चलता है। वो सेंटर आज उत्तर प्रदेश का जोनल हेडक्वार्टर सेंटर है। तो किस बात का अभिमान करते हैं, किस बात का? याद रखिएगा, आज मैं किसी चीज का अभिमान करूंगी वो बाबा यूज नहीं करेगा गुण। अगर मैं अच्छा भाषण करती हूँ, मुझे नशा चढ़ जाए, मैं अच्छा भाषण करती हूँ और थोड़े नाच नखरे दिखाना शुरू कर दूँ, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। आप मुझे कहें बहन जी ये बहन बहुत अच्छी है, इसमें सिर्फ थोड़ा अहंकार है, तो मैं क्या कहूँ, इसको अपने पास ही रखो भाई, मुझे नहीं चाहिए, यही कहेंगे ना। मुझे तो ऐसी चाहिए जो कि निर्माण हो, जिसको मैं कुछ कह सकूं। तो अहंकार कीड़ा है और ये आपको सताता है। अहम पूरा नहीं होता, व्यक्ति तांडव नृत्य करता है, विनाशकारी बन जाता है, क्रोध भी आता है और विनाशकारी बन जाता है। इसलिए ये बहुत जबरदस्त विकार है जो हमारे अंदर नहीं हो। आपको फीलिंग आती है, कोई बात से फीलिंग अगर आती है, समझ लो ये अहंकार की निशानी है, ठीक है।